hello students welcome to my channel in last video we have discussed in classification of organisms in classification of animals or organism we have discussed kingdom monera and their classification right archibacteria eubacteria and the types of bacteria were coccus, spherical bacillus rod shape spirillum and all now classification can be divided into autotrophs as well as heterotrophs autotrophs can further classified into photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs these two these two terms are clear autotrophs and heterotrophs auto means in auto there are two categories photosynthetic or chemosynthetic photosynthetic means uh, with the help of sunlight chemo means with the help of chemicals only and heterotrophs means depending on others for their nutrition, depending on the others means these are the heterotroph. These are called decomposers, living on dead or decaying material, dead or decaying animals, dead or decaying plants as well. Like plants, cyanobacteria have chlorophyll a, and they are like them. Cyanobacteria. क्टेरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एलगी कल हमने डिस्कस किया था इसको लास्ट वीडियो में ब्लू ग्रीन एलगी बोलें या साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया ये बिल्कुल प्लांट्स के जैसे काम करते हैं ये फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया है राइट फोटो सिंथेटिक दैट इज़ दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी डिड यू नो साइनो बैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक एंड एनाबीना Can also fix atmospheric nitrogen in their specialized cells called heterocysts. Note the point heterocyst specialized cellotiengi. Chemosynthetic autotrophs oxidize various inorganic substances such as nitrates or ammonia and use the energy released for ATP production. ATP is called adenosine triphosphate. Adenosine Yadakengi Adenosine triphosphate, yani ki एडिनोसिन एक मॉलिक्यूल है केमिकल फॉर्मूला है उसमें तीन फॉस्फेट लगे होते हैं तो ये क्या है एक तरह का एनर्जी है ये अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी वैल्यू की बात करेंगे एनर्जी करेंसी की बात करेंगे तो एटीपी के टर्म्स में कहा जाता है उसे एडिनोसिन ट्राईफॉसफेट एडिनोसिन डाई फॉसफेट एडिनोसिन मोनोफॉसफेट भी होता है मोनोफॉस्फेट मीन्स वन फॉस्फेट डाई फॉस्फेट मीन्स ऑफकोर्स टू फॉस्फेट ट्राई फॉस्फेट ऑफकोर्स तीन फॉस्फेट लगे हैं right? राइट अब ध्यान से देखेंगे इसे बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया नाइट्रेट्स और अमोनिया से क्या बना रहे हैं ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहे हैं उनको एडिनोसिन ट्राईफॉसफेड बना रहे हैं यानी एनर्जी बना रहे हैं तो कीमोसिंथेसिस हुई कीमो मीन्स केमिकल से अपनी एनर्जी बनाने वाला हम कुछ भी खाते हैं वट एवर वी ईट वाट इज़ द पर्पज ऑफ ईटिंग एंड वॉट इज द पर्पज ऑफ आवर फूड सो एज टू गेट एनर्जी एंड सो एज टू गेट एनर्जी अल्टीमेटली वी हैव टू मेक ए टी पी राइट आवर ए टी पी इज मेड इन अवर सेलुलर पावर हाउस दैट इज कॉल्ड माई करेक्ट सेम चीज़ है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस हो रही है हमारी बॉडी में ऐसे ही करके बैक्टीरिया भी क्या कर रहा है बैक्टीरिया भी अपनी एटीपी बना रहा है जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स खासतौर पर नाइट्रेट्स और अमोनिया को ऑक्सीडेशन करके देखो रिएक्शन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है हमारी पूरी बॉडी एक केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है करेक्ट हम किसी भी चीज़ को केमिकली सिम्बलाइज कर सकते हैं ठीक है ना तो याद रखेंगे इसे अगर हमारी बॉडी में कुछ बन रहा है वो एनाबोलिज्म है अगर हमारी बॉडी में कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज कैटाबोलिज्म और पूरा कलेक्टिवली बोलेंगे मेटाबोलिज्म okay, अभी इसे देखें प्रॉपरली दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिय नाइट्रोजन सल्फर सल्फर एस एट फॉर्म में एंड फॉस्फोरस, पी फोर ऑन हैंड हेटर बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स जिनको हम हाइट्रोट्रॉफी बोलते हैं वो डिकम्पोजर कहलाते हैं यानी कि जो भी डेड और एनिमल्स होंगे ऑर्गेनिज्म होंगे उन पर क्या हो जाएगा वो जाके आराम से अपना डिकम्पोज करके अपनी एनर्जी बनाएंगे उसको खाएंगे। देखो इनका बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है बैक्टीरिया को हम दो टर्म में डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया कुछ होते हैं ऑब्लीगेट पैर देखें ध्यान समझेंगे बैक्टीरिया आपकी हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट भी है मतलब हमारे लिए यूजफुल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है तो बैक्टीरिया ऑल द बैक्टीरिया आर नेवर पैरासाइट्स राइट सम ऑफ द बैक्टीरिया पैरासाइट्स एंड सम आर यूजफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे देखेंगे ज़रा लेकिन जब वायरस की बात करते हैं वायरसेस आर ऑब्लीगेट पैरासाइट यानी कि वायरसेस हमेशा नेचुरली पैरासाइटिक आ जाता है लेकिन बैक्टीरिया हमेशा पैरासाइट नहीं होंगे यानी कहीं ना कहीं अगर एक भी एग्जाम्पल है याद रखेंगे अगर हंड्रेड में वन भी कोई एक बैक्टीरिया हमारी यूजफुल नेचुरली हमारा यूजफुल है तो उसको हम ऑब्लीगेट पैरासाइट नहीं बोल सकते जब भी टर्म जहां भी यूज करेंगे, दो टर्म यूज करते हैं and जहां भी टर्म आएगा उब्लीगेट. उब्लीगेट means only and only responsible, right? समझ गए अब मैंने बोला ऑब्लीगेट पैरासाइट दैट मीन्स ऑलवेज ओनली पैरासाइट यानी दूसरे दूसरे को क्या करेगा हार्म करेगा अपने आप को एनरिच करेगा लेकिन ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है के लिए लेकिन जब बैक्टीरिया की बात करते हैं बैक्टीरिया के लिए हम लोग टर्म ऑब्लिगेट नहीं लगाते हैं। याद रखेंगे लगाते हैं कुछ के लिए सारे के सारे पैरासाइट नहीं होते देखेंगे जरा सम समीजेस लाइक टेटनस एंड एंडरा आर नोन टू बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिशन दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ बाय्रीमेटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टेरियम टू अनदर through the pillars under unfavorable conditions bacteria produce spores no apart from you bacteria there are special bacteria called RK bacteria that live in extreme conditions for example halophiles live in extreme salty areas thermoacidophiles live in hot springs, while methanogens live in marshy areas. methanogens are also present in the gut of ruminant animals, as cows and buffaloes. these bacteria are responsible for the production of methane, also referred to as biogas, Bio from the dung of these cattle. all RK bacteria have a different cell wall structure, जहाँ भी टर्म लेंगे आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया की जो सेलवाल होती है जो बार की जितने भी बाकी यू बैक्टीरिया होंगे आर्की का मतलब भी होता है आर्की मीन प्रिमेटिव बहुत पुराने वेरी एंशेंट वेरी ओल्ड तो जब भी टर्म आता है ना आर्की, आर्की जैसे हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजी प्रिमेटिव स्टडी राइट तो जो बहुत पुरानी चीजें यानी बहुत जो पुराने बैक्टीरिया हैं तो हमारे एकदम स्टार्टिंग के ऑर्गेनिज्म है शुरुआत हुए थे इनकी अर्थ में तो आर की जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेलवाल होती है बाकी बैक्टीरिया के सलवाल से बहुत डिफरेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं नंबर एक चीज़ याद रखेंगे क्योंकि इन्हें कहाँ रहना होता है ये रहते हैं बहुत एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में करेक्ट इवन बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर मैं आपसे कहूँ दीज आर की बैक्टीरिया कैन लिव इन वोल्कैनोज बड़ा इंटरेस्टिंग है वोल्कोनोज जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते Unlike you, bacteria and archaea bacteria, mycoplasmas are the bacteria that do not have a cell wall. They are also smallest living beings ever known who can survive without oxygen. They are pathogenic in animals and plants. Kingdom Monera, therefore. consists of u bacteria, archaea bacteria and mycoplasmas. Mycoplasma yaad rakhenge. All unicellular eukaryotes come under kingdom Protista. Members of the kingdom Protista. हमने पहले बात की unicellular prokaryotes. देखें जो बैक्टीरिया थे वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे जब भी टर्म लेते हैं प्रोकैरियोट अब जरा इन सब चीज़ों को समझें अपनी बुक उठाएंगे आप टेबल देखेंगे प्रॉपरली वहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं याद रखेंगे क्लासीफिकेशन ऑर्गेनिज्म कैसे हैं कैसे करते हैं तो आप कहोगे किंगडम मोनेरा देन प्रोटिस्टा राइट देन फनजाई देन प्लांट देन एनिमल ऐसे करके है तो जितने भी मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोट कैरियाट जहाँ भी टर्म प्रो है इसका मतलब होता है जो इनके सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है नेकेड होता है क्या होता है नेकेड नेकेड न्यूक्लियस मीन्स देखो हमारे जो न्यूक्लियस है हम लोग क्या हम लोग यू हैं प्रो का मतलब हुआ प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब हुआ न्यूक्लियस ठीक है नेकेड न्यूक्लियस यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग है नेकेड न्यूक्लियस बिना कपड़ों का न्यूक्लियस तो जब भी हम नेकेड न्यूक्लियस की बात करते हैं तो देखिए हम अपने से कंपेयर करें अगर हम अपनी एक सेल निकालें और अपना न्यूक्लियस देखें न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर हमारे डी पूरा का पूरा क्या भरा होता है ऐसे राइट और उसके ऊपर एक सेल न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है याद रखेंगे तो हमारे पास हर हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है बट जो प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया है बैक्टीरिया के जो न्यूक्लियस हैं वो क्या हैं बिखरे हुए हैं यानी कि उनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रॉपरली नहीं है तो विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोट एंड वी विच आर यू कैरियाट्स वी मीन्स हैविंग कंप्लीट न्यूक्लियर मेमब्रेन एक ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को डिफाइन करती है हमारे पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस है जब भी टाइफाइंड न्यूक्लियस कौन हो गया यू कह गया ट्रू न्यूक्लियस ट्रू मतलब हैविंग मेम्ब्रेन और प्रो मतलब हैविंग नो मेंब्रेन तो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस यानी कि उनका डी एन ए होता है पूरे के पूरे सेल में बिखरा हुआ होता है करेक्ट तो वो क्या कहलाए प्रो कैरियॉर्ट्स लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा एंड ऑनवर्ड्स यानी प्रोटिस्टा पंजाई देन, प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सब क्या है यूकेरियस यानी हमारे प्रोटेस्टा से लेकर हमारे तक एनिमल्स तक ये क्या हो गए सबके जो न्यूक्लियस अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है वो क्या है वो उसमें ऊपर से कवरिंग है एक मेम्ब्रेन है प्राइमरली अक्वाटिक प्रोटिस्टोड्स डायना फ्लैज a few categories of protists. these are the protista. since they are all eukaryotes, they contain a well-defined eukaryotic terms. eukaryote means having nucleus with defined membrane, correct? Yeah, no terms. and nucleus and other membranous organelles. some protists also have either a flagellum or a cilium. They reproduce both asexually through cell fusion and sexually via zygote formation. Not the points Chrysophytes include diatoms and golden algae, golden algae or desmids. Desmids. They are microscopic and float in great numbers in both freshwater and saline water. water Also they are mostly photosynthetic. Diatoms are known as chief producers in the oceans. Diatom cell walls are embedded with silica, making them indestructible. More diatoms. diatoms therefore manage to leave behind a large amount of their cell wall deposits in their habitats. These fossilized remains of diatoms form diatomaceous earth. It can be put to various uses like polishing and filtration of oils and syrups. Commercial use. Dinoflagellates are colorful protists found both in marine and fresh water. Depending on the main pigments in their cells, they are yellow, green, brown, blue, or red. Sometimes, when a red dinoflagellate multiplies rapidly in the sea it makes the sea appear red. very important point this red tide phenomenon is known to be harmful as the toxins so released can kill other marine animals such as fish note the point dinoflagellates usually have two flagella This question you. red tide which one of the following is responsible for the red tide Aapko option, option dinoflagellates okay longitudinal flagella and transverse flagella their names indicate how both the flagella are positioned euglenoids too like dinoflagellates have two flagella one short and the other a long one instead of a cell wall euglenoids have a protein rich layer called pellicle Pelicle? that makes their bodies flexible Euglenoids are phototrophic autotrophs in the presence of sunlight since they also have chloroplasts like plants. Very interesting point. However, they behave